Welcome back. Welcome to you in this another useful session. So students, आज हम इस वीडियो में आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराएंगे ह्यूमन की. तो ये काफ़ी टफ टॉपिक है, टेक्निकल सा थोड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको ये करवाने जा रहा हूँ. तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रीमियर का पूरा एडवांटेज लोगे. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जायगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसकी डिवीजन शुरू होती है, उसको हम क्लीवेज कहते हैं. फर्स्ट स्टेप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन इज़ द क्लीवेज. क्लीवेज इज सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीज़न. इसमें माइटोसिस होगी आगे ऑफ द जायगोट, विच कन्वर्ट सिंगल सेल जायगोट इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डैट इज़ द ब्लास्टुला, और बाद में बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट. तो काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न के बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जायगोट, तो उसको ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. तो अबाउट द 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है, द न्यूली फॉर्म जायगोट डिवाइड इनटू टू सेल. 30 घंटे के बाद दो सेल बनते हैं जायगोट के, उसको ब्लास्टोमीयर कहते हैं. अपर पोर्शन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के अपर पोर्शन में जाके बनते हैं. द फर्स्ट क्लीवेज के बाद द नेक्स्ट क्लीवेज अक्कर बिटवीन 40 आवर, फिर 40 घंटे बाद सेकेंड डिवीजन आती है. थर्ड डिवीजन जो होती है 3 डेज के बाद आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग दीज अर्ली क्लीवेज द यंग एम्ब्रियो इज स्लोली मूविंग डाउन द फ्लोपियन ट्यूब टुवार्ड द यूट्रस. तो इसमें जो यहाँ से पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे जैसे डिवाइड करता जाता है धीरे धीरे वो यूट्रस की ओर माइग्रेट करना शुरू कर देता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एग है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसमें जायगोट बन गया. जायगोट के बाद ब्लास्टोमीयर बन गए 2 दिन में, फिर 3 दिन में 4 सेल, फिर ऐसे डिवीज़न होते होते एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा. जे हम सारा यहाँ स्टडी करने वाले हैं, तो यही आपको बता रहा था मैं. सो यहाँ देख सकते हो, फर्स्टली आपके पास है जायगोट. जायगोट है, जायगोट की जब डिवीज़न होती है, आपको मैंने बता दिया है 30 आवर के बाद 2 सेल बनेंगे, उसके बाद 4 सेल बन गए. सबसे बाहर जो लेयर है सेल की, जायगोट की, जोना पहला सीधा लेयर है. अब ये सेल जब डिवाइड कर रहे हैं, इसको ब्लास्टोमीयर करेंगे. अब एक बात याद आपने रखनी है, भी आपका जो जायगोट है पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक. क्या कहेंगे? होलोब्लास्टिक क्लीवेज. उसमें जो क्लीवेज है होलोब्लास्टिक होती है. 2 सेल बन गए, उसके बाद 8 सेल बन गए ब्लास्टोमीयर, 16 सेल बन गए. टायर में रेंज हो गए 8 8 8, बाहर आ गए 8, अंदर आ गए. उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, जो बाहर की जो लेयर होती है जोना पहले सीडा हार्ड हो जाती है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट बना देती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है बाहर. तो जोना पहले सीडा बाद में ब्रेक हो जाएगी, ट्रोफोब्लास्ट हार्ड हो जाएगी, तो ऐसे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट. सो एट द एंड ऑफ द 40th day द एम्ब्रियो रिचेस द यूट्रस के आ जाता है. 18 से 16 ब्लास्टोमीयर होते हैं, सॉलिड वाल बन जाती है, जिसको हम मोरूला कहते हैं, डेट इज़ द मलबरी. इट लुक लाइक मरवली. वेन द ब्लास्टोमीयर डिवाइड कम्प्लीटली, तो इट इज़ कॉल्ड होलोब्लास्टिक. ये आपको मैंने बता दिया, पूरा डिवाइड कर रहा है तो पूरी डिवीज़न हो रही है जायगोट को, डैट इज़ होलोब्लास्टिक क्लीवेज. अब सेल जो क्लीवेज करता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो. क्लीवेज होती है एक माइटोसिस होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें. जो डिवीज़न इसमें क्विक होती है, इंटरफेज जो क्लीवेज की होती है शॉर्ट होती है. तो इसमें कोई ग्रोथ, सो डैट रिजल्टिंग ब्लास्टोमीयर बिकम स्मॉलर इन साइज, इसमें कोई ग्रोथ फेज नहीं होती. टोटल साइटोप्लाज्मिक मास रिमेन सेम, साइटोप्लाज्म का मास सेम रहता है जैसा जायगोट का होता है. जायगोट जो है मच लार्जर होता है, तो देन द बॉडी सेल से ज़्यादा बड़ा होता है जो आपका जायगोट है. तो क्लीवेज प्रोग्रेसली रिड्यूस द साइज ऑफ ब्लास्टोमीयर, फिर साइज रिड्यूस हो जाता है, फिर पेरेंटल सेल जितना साइज हो जाता है. डीएनए सिंथेसिस में फास्ट होती है नॉर्मल माइटोसिस से. सो दिस अकर एट द एक्सपेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, खत्म होना शुरू हो जाता है. एज ए रिजल्ट द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो लो हो जाती है जायगोट की, इंक्रीजेस एंड फाइनली रिचेस फॉर द ऑर्डिनरी अडल्ट सेल. फिर जब नॉर्मल बॉडी सेल जितनी पहुंच जाती है तब इक्विलिब्रियम आता है. शेप ऑफ जो एम्ब्रियो है डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द क्लीवेज, क्लीवेज में एम्ब्रियो की शेप चेंज नहीं होती. उसके बाद ऑक्सीजन जो कंजम्पशन होती है वो ज़्यादा होती है इसमें. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसमें 2 फेजेस होती है, माइटोसिस फेज एंड सिंथेसिस M&S. तो इसमें G1 G2 फेज जो है स्किप हो जाती है. सो ये आपने याद रखने हैं फीचर्स.
बाकी आपको ये मैंने इस दूसरी बुक से भी बता दिया, सेम ही है कितने टाइम के बाद डिवीज़न होती है। बट यहाँ आपने मेन कुछ याद रखना है, इस बुक में दिया हुआ है कि द फर्स्ट क्लीवेज है 30 आवर के बाद होगी, इट इज़ मैरिडोनियल। मैरिडोनियल होती है जो एनिमल वेजिटल पोल को कोइंसाइड करती है, जिस जगह से एग के अंदर स्पर्म एंटर करता है उसको एनिमल पोल कहते हैं, उसको अपोजिट होता है वेजिटल पोल, तो उसके परपेंडिकुलर डिवीज़न चलते हैं, इसको मैरिडोनल कहते हैं। इसके दो ब्लास्टोमियर आएंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा, एक को मैक्रोमियर करेंगे एक को माइक्रोमियर। फिर 60 घंटे बाद दूसरी डिवीज़न आती है, जो राइट एंगल होती है फर्स्ट प्लेन के 90 डिग्री में दूसरी होगी। तो जैसे ही आपका यहाँ फर्स्ट क्लीवेज होगी उसके बाद ये, तो इसमें पहले 3 सेल बनेंगे फिर 4, तो यहाँ पहले 3 सेल स्टेज आएगी फिर 4 सेल स्टेज आएगी, एकदम से 4 सेल नहीं बनेंगे। थर्ड क्लीवेज 72 आवर के बाद होती है, तो वैसे नॉर्मल पैटर्न चलता रहता है, उसको सिंक्रोनस डिवीज़न कहते हैं। बाद में मोरूला बन जाता है, ये आपको करवा दिया। उसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ, कंपैक्शन। इट इज़ इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द अर्ली ममेलियन क्लीवेज, इट अकर एट 8 सेल स्टेज। द ब्लास्टोमियर जो है हिथेरियो लूजली हेल्ड टाइटली अदर वन अदर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन डैट इज कॉल्ड कोहिजन। जो कोहिजन प्रोटीन्स होते हैं सेल के बाहर स्क्रीट होनी शुरू हो जाती हैं और सेल कम्पैक्ट वॉल का मास बनाते हैं। इस टाइम पे सेल की पकड़ होना जरूरी है, सेल सेग्रीगेट ना हो, क्योंकि सेग्रीगेट हो जाएंगे तो ट्विन्स बन जाएंगे या एम्ब्रियो की आइडेंटिटी लॉस हो सकती है, तो इसलिए इनको बनाना पकड़ना जरूरी है, इसको कम्पैक्शन कहते हैं। अब क्लीवेज का क्या फ़ायदा, क्लीवेज जो है सेल का साइज जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो है उसको नॉर्मल सेल जितना लेके आती है, इसमें ग्रोथ नहीं होती बट इसमें सेल नंबर इंक्रीज होता है। क्लीवेज में जो सेलुलर एक्टिविटी है कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनली एंड मॉलिक्यूल रिसीव फ्रॉम द सेकेंडरी ओसाइट, उसी के अंडर ही चलता है। बट सम ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म जीन बिकम एक्टिव, तो इसमें कुछ जीन एक्टिव भी हो जाते हैं ब्लास्टोमियर के। क्लीवेज बिसाइड प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ सेल बाय रैपिड डिवीजन आल्सो सेग्रेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन डिफरेंट सेल, तो इसमें सब्सटेंस भी सेपरेट होते हैं। क्लीवेज में लार्ज नंबर ऑफ सेल बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं बेबी का, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा इन सेल से ही बनेगा। उसके बाद है मोरूला स्टेज, ये 16 से 32 सेल की स्टेज होती है, बट इट इज़ नॉट लार्जर देन द जायगोट, जायगोट जितना ही साइज होता है। तो इसमें 2 टाइप ऑफ सेल होंगे, आउटर सेल जो हैं स्मॉलर लेयर है क्लियर है देन द इनर सेल। मोरूला रिचेज द यूट्रस 4 से 6 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के, यूट्रस में आ जाता है मोरूला। सो इट इज़ स्टिल सराउंडेड बाई जोना पैलासीडा डेट प्रिवेंट द स्टिकिंग, तो जब तक प्रॉपरली डिवीज़न नहीं हो जाती तब तक जोना पैलासीडा बचा के रखती है, ये लेयर जो है प्रिवेंशन होती हो करवाती है, स्टिक नहीं होने देती। उसके बाद जब वो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जिसको ब्लास्टोडर्मी के बेसिकल और ब्लास्टुले कहते हैं। सो द आउटर जो सेल होते हैं मोरूला के ऑब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट, फ्लूइड्स क्रिएटेड बाय यूटरिन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देयर आफ्टर कॉल द ट्रोफोब्लास्ट। फिर ट्रोफोब्लास्ट सेल बन जाते हैं मेम्ब्रेन के सेल, वो ट्रोफो एक्टोडर्म। द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट फ्लैटन्ड हो जाते हैं, फिर वो फ्लूइड ऑब्जॉर्व करते हैं तो सेंटर में एक कैविटी आ जाती है जिसको ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। तो इसमें इनर सेल मास जो सेल में सेपरेट हो जाता है, आउटर ब्लास्टोडर्म आ जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट आ जाती है। तो इसमें जो हार्ड लेयर बन जाती है डेट इज ब्लास्टोसिस्ट, तो स्टेज इन द ब्लास्टुला इन अदर एनिमल। तो इनर सेल जो है वो लुक लाइक स्मॉल नोब बन जाती है, एम्ब्रियोनल नोब कहते हैं इसको। द साइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू विच द एम्ब्रियोनल नोब अटैच इज नोन एज एम्ब्रियोनिक एनिमल पोल, ऑपोजिट साइड इसकी एम्ब्रियोनिक अब एम्ब्रियोनल पोल बन जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है डज नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर, इट रिमेन एक्सटर्नल, तो अंदर एम्ब्रियो नहीं बनाती है। यहाँ बात कर रहे हैं इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इसमें एम्ब्रियोनिक नोब बन गई, ब्लास्टोसील बन गई, जो डायरेक्टली इसके साथ सेल अटैच्ड है ट्रोफोब्लास्ट के, इसको सेल ऑफ र्यूबर कहते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। सो मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यहाँ से भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ये स्ट्रक्चर जो ब्लास्टोसिस्ट ही है, ये आपका जो एरिया है जो एनिमल पोल है, इसके ऑपोजिट जो है अब एनिमल पोल, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो अब एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको कहते हैं। सो सेल ऑफ रिवर बता दिया आपको, द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विच आर इंटैक्ट विद द इनर सेल, साथ में जो इंटैक्ट है उसको सेल ऑफ रिवर कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है इम्प्लांटेशन की, नेक्स्ट जो स्टेप होता है इम्प्लांटेशन।
सो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्राइन बाल पे अटैच होता है, जिस 7 दिन के बाद अटैच होता है फर्टिलाइजेशन के, जब 8th डे आता है तो ट्रोफोब्लास्ट डेवलप करती है 2 लेयर। इसमें दीज लेयर आर सिन काइशियो ट्रोफोब्लास्ट डैट कंटेन नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्री एंड साइटो ट्रोफोब्लास्ट बिटवीन द इनर सेल मास एंड सिन काइशियो ट्रोफोब्लास्ट। इसमें 2 लेयर बन जाती हैं, बाहर वाली सिन काइशियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली साइटो ट्रोफोब्लास्ट। सो द पोर्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट वेयर द इनर सेल मास इज लोकेटेड लाई अगेंस्ट द एंडोमेट्रियम, उसके अगेंस्ट आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, जो सिंक कर जाती है इन द पिट ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड गेट कम्प्लीटली बुरिड इन द एंडोमेट्रियम, तो इसके अंदर चल जाती है। एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट या बिलाई बना जाती है नॉरिशमेंट के लिए। दो सेल ऑफ द इनर मास जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 लेयर में, तो इसमें जो स्मॉल सेल की लेयर क्यूबॉइडल सेल बनेंगे उसको कहेंगे हाइपोब्लास्ट लेयर, जो लार्ज सेल है वो एपीब्लास्ट लेयर बनाएंगे। बोथ हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट जो है उसको एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। फिर यहाँ से क्या बनती है, एम्ब्रियोनल डिस्क। तो यहाँ आप देख सकते हो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे इसको, ये कनेक्टिव टिश्यू है उसका एंडोमेट्रियम का। अब यहाँ ये बरीड हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ जो म्यूबाइटिक यहाँ कैविटी लवाले सेल बनने शुरू हो जाएंगे, जो 8वें दिन में इम्प्लांटेशन हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा इम्प्लांटेशन का। जोना पहला सीडा का रोल क्या है, जोना पहला सीडा प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन अब नॉर्मल साइड पे। इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी फैगोसिटिक ट्रोफोब्लास्ट सेल टिल द ब्लास्टोसिस्ट रिचेज द प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट। जब तक इम्प्लांटेशन साइट पे ब्लास्टोसिस्ट नहीं पहुंचता तब तक ये ख़त्म नहीं होती लेयर। उसके बाद HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेडोट्रोफिक हार्मोन। जे द ट्रोफोब्लास्ट होते हैं जो इन्वेडिंग ब्लास्टोसिस्ट डेवलप ए रूडिमेंट्री कोरियोन, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जो बाद में प्लेसेंटा बनाती है। जो कोरियोन के सेल होते हैं वो हार्मोन देते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक एंडोग्रेडोट्रोपिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी का काम लेता है एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है वो इतनी जल्दी बनेगा नहीं। तो HCG जो है मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम का, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को बना के रखता है, और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बना के रखेगा, इससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी और इससे मेंचुरेशन ब्लीडिंग नहीं होने देगा। तो अगर HCG का हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो मिसकैरेज हो सकता है। सो बाय द 16th week ऑफ प्रेगनेंसी तो प्लेसेंटा जो है काफ़ी प्रोजेस्टेरोन देता है, तो फिर इसका कोई काम नहीं होता, बाद में ये डीजनरेट हो जाता है कोरियोन, इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉजेस द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स फ्रॉम द प्लग। फिर जो वेजना के साथ सर्विकल कनाल है वो बंद हो जाती है, प्लग बन जाता है बच्चे को मिसकैरेज से बचाने के लिए। उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस होती है, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसमें काफ़ी हार्मोनल चेंज आते हैं प्रेग्नेंट वोमन में, उसकी ब्रेस्ट टेंडर्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, मॉर्निंग में नींद ज़्यादा आएगी, बॉडी जो लेथार्जिक लगेगी, अनयूजुअल फूड खाना, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं बढ़ जाएंगी मदर की। प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ कर सकते हैं, जो स्टिप वाला टेस्ट है HCG हार्मोन का लेवल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है मिसकैरेज। कई बार क्या होता है, अब नॉर्मल एम्ब्रियो हो तो वो डाई हो जाता है जब HCG की वो सिक्रीशन बंद हो जाएगी, और लोअर द प्रोजेस्टेरोन आउटपुट बाय कॉर्पस ल्यूटियम, इन टर्न कॉजेस द ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड मिसकैरेज अबॉर्शन। सो मिसकैरेज जो है लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, जो फर्स्ट मंथ है काफ़ी क्रूशल होता है। देयर आफ्टर फीटस जो है काफ़ी रजिस्टिव हो जाता है मिसकैरेज के लिए, अपने आप को बचाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड डैट द 3 of the 5 ह्यूमन एम्ब्रियो डैट इम्प्लांटेड आर अबनॉर्मल एंड अबॉर्ट नेचुरली। अगर इम्प्लांटेड होंगे अबनॉर्मल होंगे तो वो मिसकैरेज ही हो जाएंगे। सो इफ़ द हार्मोन फ्रॉम द मदर्स बॉडी मेंटेन प्रेगनेंसी देयर वुड बी नो वे टू डिस्कार्ड द एम्ब्रियो। तो कोई भी चक्कर भी बन जाए, चाहे अबनॉर्मल ही क्यों ना हो, अगर मदर के हार्मोन प्रॉपर बन रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब एम्ब्रियो बन जाता है, मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको कन्पेक्शस कहते हैं, कंसेप्शन, जो कंसीव हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था अप टू द इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हम करेंगे 3 जो जर्म लेयर कैसे बनती है, उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट एक टर्म आती है एम्ब्रियो एंड फीटस। एम्ब्रियो जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। ह्यूमन बींग में जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंसेप्शन टिल द एंड ऑफ द 8th week,
यानी सेकंड मंथ तक जो है इसको हम एम्ब्रियो ही कहते हैं, बाद में इसको फीटस कहते हैं। फीटस इज़ द अनबोर्न यंग वन और द बीबी पेरेंट्स, जो जन्म से पहले जो अंदर बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं, जो बाहर आ जाएगा उसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। उसके बाद प्रोसेस होता है गैस्टुलेशन, डेट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द ग्रेस्टुला विद द प्राइमरी जर्म लेयर बाय रीअरेंजमेंट ऑफ सेल, डेट इज कॉल्ड गैस्टुलेशन। बेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। गैस्टुलेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सेल, सेल मूव करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड मार्फोजेनेटिक मूवमेंट, सेल की जो मूवमेंट होती है। सो मार्फोजेनेटिक सेल की मूवमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। सेल जो होते हैं इन द ट्रोफो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसमें तीन लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, तो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट से ही बनती हैं। अब जो ह्यूमन है उसमें जो जर्म लेयर होती हैं वो क्विक बनती हैं, डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन द एग्जैक्ट सीक्वेंस। इसको डिटर्मिन करना सिंपल नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, पहले एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी। वी हैव सीन द अर्ली जो ब्लास्टोसिस्ट है कंसिस्ट ऑफ इनर सेल मास्ट। इनर सेल मास्ट जो है इसमें कुछ सेल होते हैं स्टेम सेल, विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन। द सेल ऑफ द इनर मास जो हैं डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे इंटू टू लेयर ऑफ द एट सेल जो होते हैं, 8 डेज के बाद बन जाएंगे टू लेयर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें बनेंगे पहले हाइपोब्लास्ट, अभी आपको बता दिया, एंड स्मॉलर लेयर जो होती है, एंड एपीब्लास्ट जो है जो लार्जर है, यानी एपीब्लास्ट लार्ज होंगे, हाइपोब्लास्ट छोटे होंगे। तो बाद में ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क में। तो यहाँ आप देख सकते हो इनर सेल मास्ट है, इनके नीचे एक लेयर बन गई, छोटे सेल हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाले एपीब्लास्ट। फिर बाद में ये डिस्क में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, या एम्ब्रियोनिक नॉब। सो एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट क्या बना देते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। उसके बाद आएगी एम्ब्रियोटिक कैविटी, स्पेस बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोटिक कैविटी फिल्ड विद द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। अब आपके पास क्या आ गया, एपीब्लास्ट, जो एपीब्लास्ट सेल आ गई ये, और अमाइनोजेनिक लेयर जो ऊपर डिवाइड कर जाती है, इसमें एक स्पेस बन जाता है जटी एम्ब्रियोटिक कैविटी, इसमें फ्लूइड जमना शुरू हो जाता है। तो फ्यूचर में जो एम्ब्रियोटिक कैविटी, इसके अंदर फीटस डिवेलप होता है। रूफ ऑफ दिस कैविटी फाउंड बाय अमाइनोजेनिक सेल जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं, जो उसका फ्लोर होता है वो एपीब्लास्ट बनाता है। जी आपको क्लियर है, जितने इसका फ्लोर एपीब्लास्ट का है, नीचे हाइपोब्लास्ट है, क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू द मास, डेट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कौन से सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू मास ऑफ सेल, मेसोडर्म बनाएंगे। दिस मेसोडर्म इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बिकॉज इट्स लाई आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक डिस्क, इट डज नॉट टेक पार्ट इन एनी टिश्यू फॉर्मेशन। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है इसको डिफ्रेंशिएट किया गया आउटर सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंड सप्लेनकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो दोनों लेयर जो हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का काम करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आ गया आपकी एम्ब्रियोनिक नोब, ये एंडोडर्मल सेल है, एंडोडर्मिस बनाए गए यहाँ। अब बाद में यहाँ मेसोडर्म की आपको क्लियर होगा, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये आ गई। ये मेसोडर्म जो है ये बाद में कोई लेयर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में काम नहीं करेगी। ये आपकी आ गई स्प्लेंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यहाँ जो है सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, जहाँ दो में डिवाइड होगी ना, ये पूरी मेसोडर्म है, एक आ गई स्प्लेंकोप्लूरिक, ये बाहर वाली आ गई सोमैटोप्लूरिक। तो उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एम्नियन, एट दिस स्टेज टू वेरी इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन बनती है कोरियन एंड एम्नियन। कोरियन कैसे बनती है, बाय द सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो आपने याद रखना है, एंड बाय द ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड। द एम्नियन जो बनती है अमाइनोजेनिक सेल से बनती है इनसाइड, एंड सोमैटोप्लूरिक जो सेल होते हैं आउटसाइड, बाहर से सोमैटोप्लूरिक सेल की होगी, अंदर से अमाइनोजेनिक की। तो आपको जो मैंने यहाँ कोरियन बताई है सोमैटोप्लूरिक सेल से इनसाइड की बनेगी, आउटसाइड इसकी ट्रोफोब्लास्ट की। सो जो अमाइनोजेनिक सेल है ड्राइव होते हैं फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट, लेटर ऑन द कोरियन बिकम द मेन एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। जो कोरियन है जो प्रोड्यूसेस द ह्यूमन गोनेडोक्रोपिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रेगनेंसी का। सो द आपके पास आ गया एम्नियन सराउंड्स द एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो क्रिएटेड एम्नियोटिक कैविटी डेट इज फील्ड विद द एम्नियोजेनिक फ्लूइड, आपको बता दिया। एम्नियोटिक फ्लूइड जो है शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है फीटस के लिए, और फीटस का टेम्परेचर जो है और डेसिकेशन सूखने से बचा के रखता है। तो यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बनेगा योक सैक, जो फ्लैटेंड सेल होते हैं हाइपोब्लास्ट के, स्प्रेड कर जाते हैं लाइन इनसाइड द ब्लास्टोसील।
These endodermal cell lining the primary yolk sac. With the appearance of the extraembryonic mesoderm, later extraembryonic coelom बन जाता है, जिसको yolk sac कहेंगे. Become much smaller and become known as secondary yolk sac. पहले primary होगा, फिर secondary. This change in the size due to the change in the nature of the lining. Lining का nature change होता, फिर ये बनता है. So the secondary yolk sac जो है, इसमें outer होती है spleno, pleuric, extraembryonic mesoderm, inner में होती है endodermal cell. उसके बाद बनेगी प्रिमिटिक स्टीक, जो गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लास्ट. जो प्रिमिटिव स्टीक बनती है, एक फेंट ग्रूव होती है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द एपिब्लास्ट. इट इलोंगेट फ्रॉम द पोस्टीरियर टू इंटायर ऑफ द एम्ब्रियो. प्रिमिटिव स्टीक जो है एस्टेब्लिश करती है हेड एंड टेल ऑफ द एम्ब्रियो. सो प्रिमिटिव स्टीक से हेड एंड टेल जो है इसका डिसाइडेड हो जाता है. उसके बाद आएंगे जर्म लेयर, जो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टीक जो सेल होते हैं एपिब्लास्ट के मूव करते हैं इनवर्ड, एंड प्रिमिटिव स्टीक डिटैच हो जाती है एपिब्लास्ट से. दिस इन्वर्टिंग मूवमेंट इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन. सेल अंदर को आ रहे हैं. बस द सेल इन्वेजिनेटेड, सम जो स्पेस है उसमें बन जाता है, डैट इज कॉल्ड एंडोडर्म. जो एंडोडर्म होती है फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सबसे पहले यही लेयर बनती है. सो अदर जो सेल है रिमेन एपिब्लास्ट एंड न्यूली फॉर्म्ड एंडोडर्म, जो बाकी सेल है मेसोडर्म बना देते हैं. जो सेल एपिब्लास्ट के बचे जाते हैं वो एक्टोडर्म बनाते हैं. सो जो एपिब्लास्ट के सेल हैं वो ही तीनों लेयर बनाएगी, जो आपने याद रखना है. सो प्रिमिटिव स्टीक के जो पहले सेल बचे जाते हैं, पहले जो इन्वेजिनेट होंगे वो एंडोडर्म बनाएंगे, बाकी पोर्शन मेसोडर्म बनाएगा, तो बाकी जो एक्टोडर्म. सो यहाँ आप देख सकते हो, ये आपकी है प्रिमिटिव स्टीक. ये आप देख सकते हो, ये एक स्टीक पार्शली स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे एरिया. तो इसकी आगे पार्टीशन शुरू होगी. तो यहाँ इमेजिनेशन हो रही है, अंदर को सेल आ रहे हैं मेसोडर्म वाले, बाहर के सेल आ गए एंडोडर्म के. तो बाद में यहाँ बन गई एक्टोडर्म, इधर एक्टोडर्म बन जाएगी, ये एंडोडर्म बन जाएगी, बीच में मेसोडर्म. तो ऐसे बनती हैं ये. तो मुझे उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा. तो इस बुक से भी आप देख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो यहाँ आपने देख लिया, ये सबसे पहले जो लेयर है बाहर वाली सेल की एंडोडर्म बन गई इसकी, एम्ब्रियोनल नोब के बाहर की लेयर. फिर यहाँ एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई. जो एम्ब्रियोनिक डिस्क के जो सेल हैं, जिसको एपिब्लास्ट कहा है, एपिब्लास्ट सेल या एम्ब्रियोनिक डिस्क सेम ही सेल है, इनकी जब डिवीजन स्टार्ट होगी तो फिर इससे लेयर बनेगी. यहाँ देख सकते हो, ये आपके पास आ गया पिग की इन्होंने बताई है फॉर्मेशन. ये पूरी एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इसमें एंडोडर्म बन गई, नीचे ट्रोफोब्लास्ट सेल है, इसका स्पेलिक मार्जिन है, कोडल मार्जिन है. फिर यहाँ से इन्वेजिनेट स्टार्ट हो रही है मेसोडर्म की, जहाँ से डिटेक्शन हो रही है, डिटैच हो रही है, मेसोडर्म बन जाएगी. बाकी जो पोर्शन बच जाएगा इसका, वो एक्टोडर्म बनाएगा. तो यहाँ एक्टोडर्म पार्ट बनेगा, जी जहाँ से डिटैच होकर मेसोडर्म बन जाएगी पूरी, ऊपर वाला जो एरिया बाद में एक्टोडर्म बना देगा. सो ऐसे ये लेयर बनती है. उसके बाद आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा, ये एमनियोटिक कैविटीज़ है. मेसोडर्म मैंने आपको बता दी थी, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है. सो मेन मेसोडर्म अंदर बनेगी बाद में. तो उसके बाद प्राइमरी योक सैक एंड सेकेंडरी, ये एमनियो लेयर आ गई, एम्ब्रियोनिक डिस्क के सेल आ गए, एक्टोडर्म आ गई, सेकेंडरी योक सैक अंदर बनेगा ये. तो ये उसके बाद आ गया आपका प्राइमरी योक सैक, जो कि नीचे है. बाहर प्राइमरी योक सैक है, इसके अंदर जो एक लेयर अपीयर हो जाएगी, कौन सी, एंडोडर्म की लेयर अपीयर हो जाएगी. बाहर में क्या आ जाएगी आपकी, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक विसरल मेसोडर्म. फिर अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, डैट इज द सेकेंडरी योक सैक. तो ऐसे तीन जो हैं जर्म लेयर आपकी बनती हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो ब्लास्टोसिस्ट कैसे इनवेड कर रहे हैं, जैसे जैसे इनवेड करता जाएगा वैसे वैसे लेयर भी बनेगी. तो वैसे एंडोमेट्रियम में जा रहा है पहले ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास्ट, फिर यहाँ इसको इन्वेजिनेट कर दिया, फैगोसिटिक एक्टिविटी होगी यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल की, फिर अंदर चले गए, ऊपर एपिब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट, फिर यहाँ पे एम्ब्रियोनल डिस्क बन गई, एमनियोटिक कैविटी बन गई, फिर अंदर अंदर जाते इसकी सारी लेयर बन जाएंगी. तो ऐसे ये डेवलप होता है. उसके बाद यहाँ पीरियड्स दिए हुए हैं, टाइम्स क्या क्या डेवलपमेंट होती है, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट. 12 से 14 घंटे बाद जाइगोट, 30 घंटे से 3 दिन में क्लीवेज, तीसरे चौथे दिन में मोरूला बनेगा, फिफ्थ जो एंड ऑफ द सेकंड वीक तक ब्लास्टोसिस्ट बनेगा. तो इसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है आपको याद रखने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका.
बाकी है फेट ऑफ द थ्री जर्म लेयर, जो तीन जर्म लेयर बनती हैं उसका फेट होता है। यहाँ से ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, तो कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे यहाँ आप इसकी रीडिंग ले सकते हो। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जर्म लेयर एंड फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो इनिशिएट हो जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस, इससे ऑर्गन बन जाते हैं। सो द सेल ऑफ सच ग्रुप चेंज देयर फॉर्म एंड साइज ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल टिश्यू बन जाता है। द ग्रुप ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल सेपरेट हो जाएंगे जर्म सेल से ऑर्डरली मैनर विद सीक्वेंस प्रोसीजन से, यूनिक प्रोसीजन होगी। सेपरेशन ऑफ अ डिफरेंशिएटेड सेल मे अकर बाय फोल्डिंग ऑफ द जर्म लेयर एंड बाय माइग्रेशन ऑफ सेल इंडिविजुअली एंड री एग्रीगेशन ऑफ न्यू प्लेस। दिस मैनर द प्राइमोडियल सेल जो हैं जर्म लेयर के ग्रेजुअली एंड एक्यूरेटली गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो कैसे शुरू होता है, द ह्यूमन बींग में जो फोर्थ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है, यानी एक मंथ आ गया प्रेगनेंसी का, एम्ब्रियो डिवेल्प करता है हार्ट। एक जो मंथ में क्या है गया पहले हार्ट। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस बाय नोटिस द लिसनिंग हार्ट साउंड, यहाँ स्टेटोस्कोप से सुना जा सकता है। सेकेंड मंथ में लिम्ब बड बन जाती हैं, लिम्ब आई रूडीमेंट बन जाते हैं, हाथ पैर के बड्स बन जाएंगे, आँखों के रूडीमेंट्स डिवेल्प हो जाते हैं। ऑल्सो हैज टेल एंड फ्रिंजियल पॉचेस बन जाते हैं। द वेस्टिजियल इट्स अर्ली वर्टिब्रे, तो ये जो है टेल वगैरह बनती है एम्ब्रियो में, ये हमारे इनकेस्टर की है, बाद में ये डिसअपेयर हो जाती है। जब पहले तीन मंथ खत्म हो जाते हैं तो मेजर ऑर्गन इसमें बन जाते हैं काफ़ी। नो द एम्ब्रियो रिकॉग्नाइजेबल एट प्राइमेट, प्राइमेट की तरह नजर आएगा। फ्रॉम दिस स्टेज एम्ब्रियो को हम फीटस कहेंगे। फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, पाँचवें मंथ में हेयर आ जाएंगे। नॉर्मली बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्रमेस्टर, यानी 24 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी, बॉडी ऑफ फीटस की है वो हेयर से कवर होती है, आई लिड बन जाती है, आई लैशेज बन जाती हैं, फीटस फुली डिवेल्प बन जाता है बाय द 9th मंथ के एंड में। उसके बाद आती हैं तीन जर्म लेयर का फेट, फ्यूचर में क्या बनाएगी ये आपने याद कर लेना है। तो ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं, कौन सी लेयर क्या ऑर्गन बनाती है, तो अभी इसको आप याद कर लीजिए एक एक। अगर मैं रिसाइट करूँगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, कुछ मैं बोल के बता देता हूँ आपको। जैसे एक्टोडर्म से आई की लेयर बन जाती है, इंटरनल ईयर बन जाता है। मीसोडर्म से आपकी स्किन की डर्मिस, गोनाड, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सोस्केल्टन, डेंटाइन ऑफ टीथ। एंडोडर्म से सारे विसरल ऑर्गन, लीवर, पैनक्रियास, पिट्यूटरी की इंटीरियर लोब, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, मिडल ईयर की, इन मिडल ईयर की लाइनिंग, जर्म सेल की प्राइमोर्डियल, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आपने इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, यहाँ से आपने याद करना। ये फेट मैप है, सभी लेयर से सिंपल टाइप के सेल निकलेंगे, जो लेयर ने जो सेल बनाना है वो कोई और से लेयर नहीं बनाएंगे, डैट इज़ द फेट डिटर्मिनेशन। तो मुझे उम्मीद आपने ये समझ लिया होगा। उसके बाद आपके पास आती हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, डैट इज़ द एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन की क्या ज़रूरत है, एनिक्वाटिक जो एम्ब्रियो होता है जो पानी में होता है उसको पानी प्रोटेक्ट करता है, वेस्ट बाहर रिमूव कर देता है, बट जो अंदर बच्चों को जन्म देते हैं उसके लिए लेयर का होना ज़रूरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें पहले यॉक सैक आती है, फिर एमनियन आती है, उसके बाद एलेंटोन, कोरियन, चार लेयर है। सो जो आपकी यॉक सैक है ये फ्लूइड कंटेन करती है, नॉट यॉक। यॉक सैक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ओबीपेरस जो आपके रेप्टाइल आते हैं। इट्स फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोडर्म का, एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी यॉक। लैटर जो है बाल ऑफ योक सैक जो है एंडोडर्म एंड मीसोडर्म की बन जाती है, इसको सेकेंडरी योक कहते हैं। योक जो ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है 6th वीक तक, यानी आरबीसी जो है योक सैक में बनते हैं, 6th वीक के बाद लीवर काम कर लेता है तो इसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियन आती है, फाउंड अबव द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड एंड मीसोडर्म आउटसाइड, ये आपको बता दिया। इसके अंदर फ्लूइड होता है, एम्ब्रियन एम्ब्रियोटिक कैविटी लार्ज हो जाती है, सराउंड द एम्ब्रियो। सो इसके अंदर जो बेबी जो है जो बनता है वो सस्पेंड रहता है। तो यहाँ देख सकते हो मेम्ब्रेन फीटस की, ये एम्ब्रियोनिक गट है, ये एम्ब्रियोटिक लेयर एम्ब्रियन कैविटी है, ये एलेंटोज लेयर बनेगी यहाँ पे, ये यॉक सैक बन गया, बाद में श्रिंक हो जाता है। तो उसके बाद कोरियन लेयर आएगी, सबसे बाहर वाली लेयर जो है कोरियन लेयर है, ये आपकी कोरियन आ गई। तो यहाँ एम्ब्रियन की बात कर रहे हैं, द एम्ब्रियो सस्पेंडेड इन एम्ब्रियोनिक कैविटी बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ अटैच रहता है एम्ब्रियो से। लैटर फॉर्म्ड बाय स्टॉक ऑफ द योक सैक एंड एलेंटियोस,
एलेंडियोस और योक्सा की स्टॉक के बनाती है अम्बिलिकल कोड, तो मेन ब्लड वेसल जो उसके साथ होती हैं। अमनियोटिक फ्लूड जो है ये काफ़ी काम करता है, ड्राई फ्रॉम द फीटल किडनी एंड ब्लैडर का, ये यूरिन ब्लैडर इकट्ठा करता है, इसका फीटस होता है कम्प्लीटली, ये रिप्लेस होता रहता है इसका मटीरियल जो पानी होता है इसके अंदर फ्लूड 24 घंटे के बाद। क्यूजन का काम करेगा, बम्प के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करेगा, प्रिवेंट करता है फीटल मूवमेंट को, परमिट करता है प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टेम्परेचर बना के रखेगा, इंजरी से एम्ब्रियो को बचा के रखेगा, ग्रेविटी के अफेक्ट से बचा के रखेगा, एंड अब्जॉर्व करता है शॉक को एंड सूखने नहीं देता एम्ब्रियो को। उसके बाद एक टेक्निक है माइनोसाइटोसिस, बेबी को डिटेक्ट करना, इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं प्रीनेटल सेक्स डिटरमिन करने के लिए या उसमें कोई बीमारी हो तो, बट ये अभी सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि उससे सेक्स डिटरमिन हो जाता है फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए। उसके बाद एलेंटोस, स्मॉल सैक हो जाता है, पुश आउट द गट ऑफ द एम्ब्रियो नियर द योक सैक बाय द थर्ड वीक, इट रिमेन स्मॉल डज नॉट रीच द कोरियन, हो एवर इट फॉर्म अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन, ये बना देता है। एलेंटोस आल्सो फॉर्म ब्लड बनाती है, इट कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। उसके बाद आती है कोरियन, कम्प्लीटली एम्ब्रियो को जो स्टोर करती है वो कोरियन है, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड मीजोडर्म इनसाइड की बनी है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है एंड प्लेसेंटा बनाती है, फॉर्म प्लेसेंटा एंड मेटाबॉलिक एक्सचेंज कराती है फीटस एंड मदर का। उसके बाद एक टर्म आती है डिसीडा, इम्प्लांटेशन जो यूटरन मिकोजा अंडरगो प्रोफाउंड चेंजेस दिस गेट मॉडिफाइड, दिस मॉडिफाइड जो एंडोमेट्रियम यूटरस की इसको डिसीडा कहेंगे। डिसीडा टिश्यू जो है इसके तीन पार्ट है, डिसीडा वेसिलस, डिसीडा कैप्सुलरिस, डिसीडा पेरिटेलियासिस। तो ये जो डिसीडा होता है ये बाद में निकल आता है, बच्चा जो बाहर खींच के निकालते हैं पार्चुलेशन में, जो सारा एरिया बाहर आ जाता है एंडोमेट्रियम का, इसको डिसीडा कहते हैं। तो ये आपका प्लेसेंटा आगे आएगा एक, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एलेंटोस साथ में बनी है, ये योक सैक है, उसके बाद सबसे बाहर कोरियन लेयर आ गई, एमनियन एंड कोरियन बाहर आ गई, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई एलेंटोस एंड योक सैक से ये बनेगी। तो अब आपके पास आ गया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है सर्व करता है फीटल को, ब्रिंग वोट मटर्नल ब्लड लेके आता है और काफ़ी मटेरियल एक्सचेंज करता है। जो प्लेसेंटा है ये रेडिश ब्राउन डिस्क कलर का होता है, डिनर प्लेट की तरह एंड लिटिल लेस 1 kg से अप्रोक्सीमेटली होता है। फीटल सरफेस इसकी स्मूथ होती है, इट हैज़ अ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नियर द सेंटर, इसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है। सो जो कोरियन लेयर के साथ होता है इसलिए इसको कोरियन प्लेसेंटा कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहाँ से बिलाइज निकलेंगी जो अब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, इसको क्रिप्ट्स कहते हैं। सो बिकम वेरी थिक एंड वास्कुलैरिटी इसमें ज़्यादा होती है। इनिशिएट कनेक्शन जो बीच में बन जाते हैं फीटल मेम्ब्रेन एंड यूटराइन वाल के, इसको कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा, दो प्लेसेंटा के दो पार्ट बन जाते हैं, एक होता है फीटल प्लेसेंटा एक होता है मेटर्नल प्लेसेंटा, इसकी तीन तीन लेयर बन जाती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो प्लेसेंटा की लेयर, एंडोथीलियम कनेक्टिव टिश्यू ट्रोफोब्लास्ट, यूटराइन एपिथीलियम कनेक्टिव टिश्यू एंडोथीलियम, तो ये मदर की तीन लेयर हैं, ये फीटस की तीन लेयर है, तो ऐसे इसके में एक कनेक्शन बन जाता है, मटेरियल यहाँ से एक्सचेंज होता है। यहाँ कनेक्शन बन गया, ये आपका आ गया हीमोकोरियल, ये आ गया हीमो एंडोथीलियल। अब एंडोथीलियल लेयर डेवलप होगी, एंडोथीलियल बनेगा, पहले एंडोथीलियल नहीं आएगी, इसको कहेंगे हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ऐसे ये कनेक्शन शो हो जाते हैं प्लेसेंटा के ब्लड के। ये आपकी आ गई अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कोरियन लेयर आ गई, ये प्लेसेंटा पूरा आ गया, एंडोमेट्रियम आ गई अंदर वाली लेयर मदर की, यूटराइन आर्टरीज, तो यहाँ से लैक्यूने चैम्बर्स हैं, यहाँ ब्लड इकट्ठा होता है, कोरियन बिलाइज हैं, कोरियन की अब्जॉर्प्शन करेंगी, तो यहाँ से जो नरिशमेंट है बच्चे को ऐसे जाएगा। सो इसमें एक्सचेंज जो मटीरियल कैसे होता है इन द प्लेसेंटा, द फीटल ब्लड जो कम वेरी क्लोज टू द मेटरनल ब्लड एंड परमिट द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, तो इसमें फूड आएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल साल्ट, विटामिन, हार्मोन, ये सारा एक्सचेंज होगा, एंड एंटीबॉडी वगैरह यहाँ से एक्सचेंज होती है। नो डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन फीटल एंड मटर्नल ब्लड, यहाँ इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, तो मटर्नल एंड फीटल ब्लड आर नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद प्लेसेंटा बिकॉज इट मे बी इनकम्पैटिबल, प्रेशर ऑफ द मटर्नल ब्लड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसमें कोई इतना पक्का कनेक्शन नहीं होता। अब इसके काम क्या है, न्यूट्रिटिव रोल है, ये न्यूट्रिशन का काम करता है, डाइजेशन का भी काम कर रहा है, ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन की, रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज इससे होती है, एक्सक्रीटरी बेस्ड जो किडनी के हैं सारे फिकल मैटर इसमें आएगा,
एंडोक्राइन ऑर्गन है, एसजीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारा यही बनाता है, स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन, लीवर का काम करता है, बैरियर का काम करता है, कई खतरनाक जो केमिकल्स हैं इसके अंडर इंटर नहीं करते। तो मोस्ट डेंजरस जो टेराइड्रोजन है, थैलामाइड, विच कोज अ मल्टीपल इफेक्ट प्रेगनेंसी में, निकोटीन जो है, तो कईयों का बैरियर है बट इसको ज़्यादा अमाउंट में अगर केमिकल जाएंगे तो वो रोक नहीं पाएगा, तो ये बैरियर का भी काम करता है। तो फ्रेंड, दिस वाज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन। कैसा लगा ये वीडियो ट्यूटोरियल, काइंडली कमेंट करना, और कोई इसमें कमी पेशी होगी तो उसके लिए सॉरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए मेरे साथ ताकि आपको एडवांटेज हो सके और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी क्लियर हो चुके। थैंक यू वेरी मच, एंड ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर वंडरफुल एंड यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।